यही पूंजी है ना। देखिए कि कोई हमारा परिचय नहीं, हम कुछ नहीं जानते आपको, लेकिन मैं नोएडा से यहाँ आ गया और बस आपने सिर्फ ये कहा कि मनीष ठाकुर शो मेरे लिए मेरे एकाकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही कारण है कि खींच करके मुझे लाया कि नहीं, मुझे बाबूलाल जी के साथ ही समय बिताना है। और कोई मुझे इससे ज्यादा क्या गिफ्ट देगा जो आप कह रहे कि आपके आपके जो शो है मेरे लिए लोड़ी है। हम एक देखिए कई जन्मों में होता है ना कि जन्म जन्म के जो है ना, प्लीज मत रोइए मत रोइए, कोई किसी को कुछ क्या देगा। या आपने जो ये कहा कि मेरे शब्द आपके लिए लोड़ी है, और हमें लगा कि भाई आप मेरा लाइव हो रहा था और आप सो रहे हैं, कि बगल में मेरा लाइव हो रहा आप सो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी रोज की आदत है, ऐसे ही आप मेरी बात लाइव सुनते सुनते सो जाते हैं, रोज मेरा लाइव सुनते सुनते आप सो जाते हैं। बताइए इससे ज्यादा कोई किसी को क्या देगा। मेरा जिंदगी भर का जो है ना, मेरी जिंदगी भर की कमाई आप हैं, मेरे जीवन भर की, मेरे पूरे पत्रकारिता की कमाई बाबूलाल जी आप हैं। आप जैसे लोग यदि एक भी हैं तो मेरी पूरे जिंदगी की यही मेरी कमाई है। आज से एक साल पहले मतलब कोई परिचय नहीं, पता नहीं किस चीज से किस चीज से जुड़े हुए थे। जब आपने कहा ना कि आप गुजरात आइए और मेरे साथ ही बिताइए, मैंने अपनी फैक्ट्री में सबको कह दिया है कि मैं 4 दिन 5 दिन छुट्टी पे हूँ और मैं मनीष जी के साथ पूरा गुजरात हूँ। जो इंसान मुझे सुकून दे, जो इंसान मुझे रात में सुला दे, उसके लिए मैं वक्तव्य दूँ, उसके लिए मैं वक्तव्य दूँ। आदमी जीता सेन छेन के लिए जीता, बच्ची उसके घर में सो रही, मेरे पास तो आप ही थे, बस बेकार पड़ गई है। इसीलिए आपको नींद आ गई वहां उनके घर में, अब लाइव मेरा लाइव हो रहा था और आप फिर बगल में सो रहे थे आप, मतलब रोज सो ऐसे ही मेरे लाइव सुनते सुनते सो जाते हैं यहाँ। क्योंकि हर एक तरह का खुलासा करना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगे यार वो सोए कैसे? हाँ मुझे भी लगा कि मैं बगल में लाइव कर रहा हूँ और आपको नींद आ रही है। वो मैडम कह रही कि मैं पेमेंट करने वाली थी, आपने पेमेंट क्यों किया बड़ोड़ा के अंदर? हाँ हाँ हाँ, तो मैं और क्या कैसे कह सकता हूँ, उसका खुलासा होना जरूरी है। उस मैडम के सामने मैं खुलासा किया आपका बेटा होता तो मैं पैसे उसके बाद दिला देता, लेकिन और क्या खाना मैं नहीं खा सकता। तो आप जब आपने वो नींद वाली बात करी तो उसका खुलासा करना मुझे जरूरी था। मुझे लगा कि आप ड्राइव कर रहे हैं पूरा शहर मुझे घुमा रहे हैं, मुझे लगा थक गए होंगे। नहीं नहीं अभी नहीं थका, अभी आपको 4 बजे तक घुमा रहा है और सुबह बड़े मैं आपके लिए तैयार। तो आपने भी सोचा कि आपके इतने दिन यदि मेरे साथ नहीं है फैक्ट्री में कौन क्या कर रहा है कुछ भी नहीं। मैं मर गया तो ऐसे कब रुकने वाला, क्या दुनिया रुकने वाली है? मेरे लिए मेरी जिंदगी में जहाँ मैं यहाँ सोता हूँ, मतलब यही फर्श पे आप सोते हैं? यही सोता मेरी सोने की जगह ही, मतलब इतना बड़े फैक्ट्री के मालिक और फर्श पे आप सोते हैं और मेरा शो देखते रहते हैं दिन रात उसी में? दिन में देखते हैं तो रात में तो रात का शो आप देखते हैं? क्योंकि मुझे नींद आनी बहुत जरूरी है और शो देखने के बाद जैसे नींद आ जाती है फिर वो मोबाइल पर चालू रहता है, बस मैं सो गया और सवेरे 5 बजे आना होता है। तो शो देखते रहते हैं मेरा सुनते रहते हैं, मेरे लिए वो नींद की गोली समझ लो, लेकिन नींद की गोली तो नहीं कहूँगा कि मेरे तो वो लोरी है, वो लोरी है, नींद की गोली नहीं लोरी है। मेरे लिए तो जिंदगी भर की कमाई आप हैं, मेरे पूरे जिंदगी भर की कमाई आप हैं। और पता नहीं आप मेरे जैसे आप कहते हैं ना कि कई जगह आपने कहा कि
मैं आपके लिए बेटे कुमार का हूँ, अब मैं आपको क्या मतलब पिता तुल्य कह लीजिए, बड़े भाई आप कह लीजिए, जो भी है, इस ये कोई रिश्ता जो है वो बांधा नहीं जा सकता। लेकिन जो ही आपने कहा ना कि आप आएंगे तो कहीं मैं होटल में नहीं, मेरे मुझे जैसे भी है आपके साथ मुझे समय बिताना है, तो चूंकि बहुत सारे लोगों ने कहा तो हमने कहा चलो किसी के साथ मैं लंच करूंगा, किसी के साथ डिनर कर लूंगा, लेकिन समय जो है वो मैक्सिमम मेरा आपके साथ भी है, क्योंकि वही चीज़ है कि जीवन में सब कुछ लौटा सकते हैं, आपने किसी को डिनर कराया लंच कराया वो लौटा सकते हैं, वक्त नहीं लौटा सकते, समय जो आप किसी को देते हैं वो नहीं लौटा सकते। चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी पीड़ा को यदि थोड़ा सा भी हम मतलब हर सकें उसको, तो मेरी जिंदगी है कि जो आपकी जिंदगी में, और ये तो कहते हैं ना कि आप तो बहुत खुद ही आप आध्यात्मिक के इतने बड़े जीवन को आप कहते हैं, कई चीज़ों को जो आप कहते हैं रहस्य जिंदगी है ऐसे ही है, तो ये आपकी माता जी हैं और वो वाइफ है आपकी, ये कोरोना में चली गई है ना, और बेटा आपका वैसे ही, आप इस घर में अकेले रहते हैं बस मेरे शो के सहारे, जो मेरी रात गुजरती है वो शो के सहारे गुजरती है, शो के सहारे गुजरती है, इसलिए अपने एक एक वीडियो जो भी दिन भर आया फिर उसको रिपीट आप देख लेते हैं, मतलब कठिन चल रहा था बस, और बच्ची निकल जाके मैं रहती से बगल में बेटी रहती, मगर जाते हैं सिर्फ बस टच में है उससे, उनके खाना वाना कुछ भी नहीं, ठीक है अब तो नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं अभी तो मेहमान आ गया तो खाना बना, मतलब फैक्ट्री और ये सब चीज़ इसलिए कि जिंदगी में व्यस्त रहे और अतीत को भूल जाए ना, याद ना आए, मतलब फैक्ट्री के कारण लोगों से जुड़ा रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, लोगों से फोन में बात होती रहती है, तो पास्ट दिन के अपन भूल जाते हैं, हाँ तो भूल गए लेकिन 10 बजे के 9 बजे के बाद तो लोग होते हैं कॉल करना बंद कर देते हैं, फिर तो सारा जो है आपसे जुड़ा हुआ तो मेरा सारा वही है, और मेरे दिमाग में फिट बैठ गया और आपकी टोन फिट बैठ गई, और वो टोन के कारण ही बस अकेले बोलो वो टोन ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बैठ गई है, चलिए कोई बात नहीं है, आप ही पूंजी हैं, आप हमारे लिए आप जैसे लोग पूंजी हैं।